नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। शिमला के गेयटी थिएटर में न्यूमिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 105वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश भर से 40 स्कॉलर्स यहां पर पहुंचे हैं और आज अपनी रिसर्च पेपर वो इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में रखने वाले हैं, जिसके बाद इन जो रिसर्च पेपर है इन पर चर्चा होने वाली है। तो विशेष हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए मौजूद है, तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पीयूष कुमार, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं कॉइन कलेक्टर हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 105वां अधिवेशन है, साथ में शिमला म्यूजियम और मुंबई कॉइन सोसाइटी तीनों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ये 3 दिन चलेगा, 27, 28, 29 तारीख को अक्टूबर। इसमें कॉइन की प्रदर्शनी लगाई हुई है, पुराने कॉइन की, और इसमें कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन होगा। जो रिसर्चर्स हैं वो लोग अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे, सिक्कों के बारे में नई नई जानकारी देंगे। तो मैं एज एन एग्जिबिट आया हूँ और प्लस मैं एक पेपर भी प्रेजेंट करूँगा। अयोध्या होट, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में बायरच में 10,000 सिक्के निकले हैं, उसके बारे में मेरा पेपर प्रेजेंटेशन है। और ये मेरा हॉबी इंसाइक्लोपीडिया मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें इंडिया में जो भी प्रदर्शनी होती है सिक्कों की प्रदर्शनी, सबसे पहले न्यूज़ उसी में आता है। प्लस सिक्कों के बारे में जानकारी, चाहे वो एंशंट हो, पंचमार्क हो, सल्तनत हो, मेडाइवल हो, मुगल हो, प्रिंसली स्टेट हो, इंडिपेंडेंट किंगडम हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश इंडिया हो, रिपब्लिक इंडिया हो, फॉरेन का सब जानकारी सबसे पहले इस चैनल में आती है। यहाँ पे जो सिक्के प्रदर्शित किए हुए हैं वो पंचमार्क से लेके मॉडर्न सिक्के सब हैं, प्लस मेडल्स हैं। टोडीवाला ऑप्शंस ने अपना स्टॉल लगाया हुआ जिसमें मेडल्स हैं, टोकन्स हैं, प्रूफ सेट है, यूएनसी सेट है, प्लस ब्रिजपाल सिंह हैं, उन्होंने एंशिएंट कॉइन्स का प्रदर्शनी लगाया है, प्लस उसके बाद जीवनदीप सिंह है जो सिख कॉइनेज का उनका किताब भी निकला था, प्लस जितने भी सिख कॉइन्स निकले हैं उस पर उन्होंने उनका कलेक्शन है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो। प्लस उसके बाद में उत्तर प्रदेश से 2 लोग आए हुए हैं, श्रीराम जी हैं जिनका राम तंके का कलेक्शन है, उसके बाद एक सिंह जी हैं उनके पास कुशाना कॉइन्स का वो प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उसके बाद एक विक्की जी हैं उनके पास योधे कॉइन्स का उनका प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये शिमला में गेयटी हॉल में ये लगा हुआ है और कृपया करके आप लोग आइए और देखिए। ये बच्चों लोग को समझाने का बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें बच्चे लोग अपनी जो धरोहर है, अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चर है वो जान सकेंगे और पुराने सिक्के कम से कम प्रिजर्व कर सकेंगे, कंजर्व कर सकेंगे। और पैसे जो हैं वो यूट्यूब में या फिर फेसबुक में और इधर उधर कार्य में नहीं लगा के वो अपने धरोहर बचाने में वो काम देंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से सम्मेलन यहाँ पर करवाया जा रहा है, कितना ये महत्वपूर्ण भूमिका है? सबसे पहले ये जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है इन कोलेबोरेशन विद शिमला म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, साथ में मुंबई कॉइन सोसाइटी ने तीनों मिलकर जो आयोजित किया है, सबसे पहले हम लोग का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये जो पुरानी धरोहर है, सिक्के होते क्या है कि किसी के घर में कभी सिक्के निकले, दादी ने रखे हुए हैं या फिर किसी को गांव से मिले, तो यूजुअली वो ज्वेलर्स को देख के वो गलवा देते हैं। तो अपनी जो धरोहर है वो चाहे 1,000 साल पुरानी हो, 2,000 साल पुरानी हो, वो गल के वो सिल्वर या कॉपर हो जाता है। तो यानी कि अपनी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, वो कभी जान ही नहीं सकेंगे कि उसका क्या महत्व था, किस एरिया से निकला था, उस एरिया जहाँ से कॉइन निकला है उसके राज्य कितना समृद्ध था। अगर जैसे गुप्ता गोल्ड कॉइन लेते हैं, बिहार में गुप्ता गोल्ड कॉइन सबसे पहले निकला था, तो वहाँ का साम्राज्य जो है वो इतना समृद्ध था कि जिसके में केवल गुप्ता के गोल्ड सिक्के मैक्सिमम निकले। तो वो कल्चर जो है, चूंकि वो सिक्के गल जाते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आम पब्लिक जब यहाँ आएगी तो वो पुराने सिक्के देखेगी, उनको ये समझ में आएगा कि किस तरह से सिक्के को बचाना कितना ज़रूरी है, नहीं तो अपनी पूरी हिस्ट्री को ख़त्म कर जाना। जब हिस्ट्री नहीं रहेगी, जब आपका पास्ट नहीं रहेगा, तो आप फ्यूचर आप नहीं देख सकते। ये हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सिक्के दिखाएं और थोड़ा उसके अस्तित्व के बारे में। मैं दिखाता हूँ, अभी बंद कर देंगे, लाइव है, लाइव ओके। ये सिक्के हैं, ये पंचमार्क सिक्के हैं, ये सतवाहना पीरियड के हैं, जो महाराष्ट्र और
गुजरात के बॉर्डर से मिले थे, ये नदी में साफ करते समय बालू में ही निकले थे। ये पंचमार्क सिक्के हैं जो कम से कम 1200 साल से 1500 साल है। इसमें आप देखोगे तो कॉपर है प्लस टिन के सिक्के इसमें बहुत सारे हैं। ये अनक्लीन लॉट है, मतलब इसको क्लीन नहीं किया गया। किस तरह से इनको प्रिजर्व करते हैं? इनका प्रिजर्वेशन जो है, इनको क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है जो न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो कॉइन्स को क्लीन करता है। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करता है, मतलब किस पीरियड के हैं, किस रूलर के हैं, क्या डायमीटर है, क्या उसका वेट है, कौन रूलर है, उसका मैप में कहाँ लोकेशन है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये उस तरह से आप सिक्के, उसके बाद किस तरह से उसको कैसे रखना चाहिए, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, तो सिलिका जेल में कैसे रखना चाहिए जिसके कारण वो सिक्के खराब नहीं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस चीज़ और मेरा और मैं जो हूँ, मैं कॉइन कलेक्टर हूँ। मेरा नाम प्रेम पीयूष कुमार है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और साथ में मैंने MBA किया हुआ है फ्रॉम एक्सलराइज जमशेदपुर। और सिक्कों के प्रेम ने मुझे MA करवाया और मैं MA इन आर्कियोलॉजी म्यूजियोलॉजी और न्यूमिस्मैटिक्स मैंने किया है फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। और इस साल अगर सब चीज़ एज पर प्लान चला तो मैं PhD ज्वाइन करूँगा इन न्यूमिस्मैटिक्स। धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ बातचीत के लिए जो है यहाँ पर स्कॉलर मौजूद थे और इन्होंने बताया है अपने टॉपिक को लेकर भी, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर साफ स्थिति की है कि किस टॉपिक पर जो है ये यहाँ पर रख रहे हैं, रिसर्च पेपर जो है यहाँ पर रख रहे हैं, उस पर चर्चा जो है बाद में की जाएगी। यहाँ पर गेटी थिएटर में अन्य भी स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर विभिन्न तरह के कॉइन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इन कॉइन्स के बारे में। क्या नाम है मैम आपका? थोड़ा कॉइन वाला ऑप्शंस। हम थोड़ा इन कॉइन्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से कॉइन्स हैं, थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं। ये सब पुराने जमाने के कॉइन्स हैं जी, जैसे गुप्ता टाइप पीरियड्स है, मुगल अकबर उस टाइप का उस पीरियड से सब चला आ रहा है। एंशिएंट भी है। हम लोग ऑक्शन करते हैं जी, आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस ऑक्शन। अभी तक हम लोग ने 145 ऑक्शन कर चुके हैं। और किस तरह से आप इनको प्रिजर्व करके रखते हैं? जो प्रिजर्व मीन्स लाइक हम लोगों से खरीदते हैं, बेचते हैं जी। जैसे आपके पास कॉइन्स हो तो आप बोलेंगे हमको ऑक्शन में रखना है, तो हम इस तरह से किताब छपवा के उसमें रखते हैं, फिर हम ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन होते हैं। ये दीज आर द सब्जेक्ट्स जी, किन किन टाइप के कॉइन्स होता है जी। तो ये एंशिएंट टाइम के कॉइन्स हैं जो आप रखते हैं? एंशिएंट भी है, बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न जी, एवरीथिंग अप टू ब्रिटिश रूल तक। ओके, शुक्रिया। तो शिमला के गेटी थिएटर में जो है 105वां सम्मेलन जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें कि स्कॉलर जो है देश के 40 स्कॉलर स्कूल पहुँचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कॉइन्स भी दिखाने की हमने आपको कोशिश की है। जो इस सिक्के हैं ये एंशिएंट से लेकर मॉडर्न ज़माने तक के जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रदर्शनी के लिए, और यहाँ पर बातचीत करने की भी हमने स्कॉलर से कोशिश की है और जाना है कि कितने महत्वपूर्ण ये सिक्के हैं और किस तरह से जो उनका रिसर्च पेपर है, जो रिसर्च पेपर वो इस कॉन्फ्रेंस में रखने वाले हैं, उसको लेकर भी जो है उन्होंने जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।